नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियां। नोएडा में स्कॉटन 2 एएफपी दादरी पुलिस ने एक जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को हनी ट्रैप का उन पर से ब्लैकमेल कर रुपए ऐड किया करते थे। इस गिरोह में बीएसपी में तैनात एक उप निरीक्षक व आरडब्ल्यूए का सचिव शामिल था। इस गिरोह का काम था महिला के द्वारा लोगों को फंसा कर और उसके शारीरिक संबंध बना वीडियो बना कर ब्लैकमेल करते थे। अपना कपड़े से चेहरा छुपा दी यह महिला बड़ी सातिर आना की है। यह महिला भूले भाले लोगों को फंसाती थी और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर उनके वीडियो बना ब्लैकमेल कर मोटी रकम लेने की सीमा से रोही कर मोटी रकम लेने की सीमा से रोही कि महिला बुलंदशहर की रहने वाली है। इसके साथ विजय सिंह चीमास्टर 49 भी बहानी पीएससी के दरोगा में शामिल है। दरोगा की वर्दी पहनकर आपत्तिजनक स्थिति में के दौरान अचानक पहुंच जाते थे और तब उगाही कर का प्रोग्राम बनाते थे। पुलिस की माने तो इससे 4 लोगों का ग्रोह है जो इस धंधे को किया करता था। पुलिस के अनुसार सीमा सिरोही की नौकरी दिलवाने के बहाने लोगों से मिलती थी या फोन पर संपर्क कर उसके अलावा व्हाट्सएप पर चैट लोगों को अपने घर दादरी बुलाती थी और घर पर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की वीडियोग्राफी कराकर लोगों को डरा धमकाती थी। यह खेल पिछले काफी समय से चल रहा था। इस गिरोह में 2 अन्य लोग की पुष्पेंद्र और अरुण भी शामिल है। यह लोग भी लोगों को डरा धमका कर झूठे बलात्कार के मुकदमे फंसाने की धमकी देकर पैसा ऐंठ लिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक बड़ी व्हाट्सएप आईडी कार्ड पर सेंट्रो कार्ड भी बरामद की है। पुलिस ने साथ ही तरीके से ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह को कर जेल भेज दिया है। उनके लिए अन्य धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है। अब इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है, फिलहाल पुलिस के संज्ञान में 2 मामले धोखाधड़ी में आए हैं जिसका कार्रवाई कर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। प्राइम 18 न्यूज के लिए नोएडा से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो महिला है उसका अपने पति से डाइवोर्स पिटीशन चलना बताया गया है, तो एक व्यक्ति इनमें से ऐसा है जो महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था और जो इसमें HCP एक है और HCP के अलावा एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इसका HCP के जानने वाला था और महिला का भी जानने वाला था और ये लोग गिरोह बना के 4 लोग काम करते थे। सर कितना रुपए रिकवर हुआ है? आप जैसे 276,000 रुपये रिकवर हुआ है। इसके अलावा कुछ पैसा जो इस HCP के बैंक अकाउंट में भी है, तो बैंक अकाउंट भी हम लोग फ्रीज कराएंगे। कुछ पैसे से इन लोगों ने सामान खरीद लिया, जैसे फ्रिज खरीद ली और भी कई चीज़ें खरीदी हैं इन्होंने, महंगी चीज़ें खरीदी हैं, वो लोग भी पुलिस कब्जे में लेगी। सर कोई आपत्तिजनक वीडियो या आपत्तिजनक वीडियो भी आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, उन्हें भी इंक्लूड किया जा रहा है जो वीडियो दिखा के ये लोग ब्लैकमेल करते थे। एक RWA है सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा, RWA के ये सेक्रेटरी बताए गए हैं, तो वहाँ के ये सेक्रेटरी बताया गया, ये भी इसमें पूरे गिरोह में शामिल था। मेन सरगना कौन है, कौन प्लान करता था? जो ये HCP है पुलिस का, इसका नाम चीमा करके है, विजय सिंह चीमा, ये और महिला जो सीमा सिरोही है इसकी मित्र है, ये लोग मेन इसके सरगना थे। किसी भी प्रकार से टच में जो आ जाता था उससे ये चूज कर लिया करते थे। जैसे RWA का जो सेक्रेटरी है, इसके पास इस महिला ने अप्रोच किया था अपने साथी के साथ उस सेक्टर में कहीं पे मकान ढूंढने के लिए किराए पे, तो उसने अपने ही मित्र का एक एड्रेस दे दिया और उसे फिर ट्रैप करा दिया। इस प्रकार Star 2 टीम ने एक बहुत अच्छा गैंग पकड़ा है। ये 4 सदस्य गैंग है जिसका सरगना एक PSC का HCP सर्विंग HCP है और उसमें एक महिला सदस्य है। ये लोग करते ये हैं कि ट्रैप कर लेते हैं लोगों को और ट्रैप करके जिस व्यक्ति को ट्रैप करते हैं उसका वीडियो बना लेते हैं और फिर पैसे उससे ऐंठते हैं। इन लोगों ने कई केस इस तरीके के किए हैं, 2 केस इस तरीके के संज्ञान में आ गए हैं जिनके मुकदमा लिखाया जा चुका है और एक व्यक्ति से इन्होंने 5 लाख रुपये के करीब लिए, दूसरे व्यक्ति से इन्होंने 3 लाख रुपये के करीब लिए। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो महिला इसमें है, एक सीमा सिरोही नाम की महिला है, जो कि चैट करती थी पहले अपने टारगेट से जिसे ट्रैप करना होता था और फिर उसे अपने झांसे में फंसा के एक जगह बुलाती थी, थाना दादरी क्षेत्र में अपने फ्लैट पे बुलाती थी और वहाँ पे वीडियो आपत्तिजनक स्थिति में उस व्यक्ति के साथ बना के और फिर वहाँ से फ़ोन करती थी और दिखाती थी कि जैसे पुलिस को कॉल किया है
और जो ये पीएसी का एचसीपी है ये वहाँ पे आ जाता था पुलिस की वर्दी में और पैसे लोगों से फिर ऐट लेते थे। तो इस तरह के कई केस इन्होंने किए हैं, 4 लोग इसमें पकड़े गए हैं, 276,000 रुपये टोटल बरामद हुआ है और 2 मुकदमे इसमें पंजीकृत कराए गए। सर कितने दिनों से? प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध।